शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें चोरी को लेकर पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश का हल्ला बोल, प्रशासन जल्द मुहैया नहीं कराती पुस्तक तो होगा बड़ा आंदोलन। कोरिया जिले के शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय के पुस्तकालय से कई हजार पुस्तकें चोरी हो जाने को लेकर जहां शासन प्रशासन के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने शासन प्रशासन से चोरी हुई पुस्तकों को जल्द बरामद करने हेतु और पुस्तकों को खोज निकालने हेतु प्रशासन से अपील की। उनका कहना है यदि पुस्तकें नहीं मिलती तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि कोरिया जिले के शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय पुस्तकालय से हजारों पुस्तकें चोरी होने का मामला इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, जिसको लेकर जहां एक तरफ श्याम बिहारी जायसवाल पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने चोरी हुई पुस्तकालय का दौरा करते हुए पुलिस प्रशासन से अपील की कि चोरी हुई पुस्तकें खोजी जाएं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, यदि जल्द से जल्द इन पुस्तकों को खोजी नहीं जाती तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जाँच में लिया गया है, क्योंकि ये शासकीय संपत्ति की चोरी का मामला है और ये अभी वर्तमान में ग्रंथपाल से उसके संबंध में डिटेल ली जा रही है। ग्रंथपाल से पूछा गया है कि कितनी पुस्तकें थी, अभी वो जानकारी स्वयं ले रहे हैं कि कितनी पुस्तकें थी। 17 तारीख को जब मैं कॉलेज आई तो मेरे स्टाफ ने जो लाइब्रेरी में रहता है उसने मुझे सूचित किया कि मैडम पुरानी लाइब्रेरी का ताला टूटा हुआ है। तो तुरंत मैंने अपने स्टाफ के 3-4 लोगों को भेजा कि पहले जाके अंदर देखो क्या पोजीशन है। जब उन लोगों ने अंदर खोल के देखा, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं और सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अलमारियाँ, चारों तरफ दीवार में अलमारियाँ लगी हैं और सब में किताबें भरी हुई थी, तो उन लोगों ने बताया कि मैडम उसमें एक भी किताब नहीं थी। फिर मैंने तुरंत लेटर बनवाया ऑफिस से और मैंने थाने में भेजा 4-5 लोगों के साथ कि आप लोग जाइए, लेकिन टीआई साहब ने उस लेटर को लेने से मना किया। क्या बोले टीआई साहब? टीआई साहब बोले कि नहीं, हम अभी इस लेटर को रिसीव नहीं देंगे। पहले बोले कि शाम को देंगे, फिर हमने स्टाफ को भेजा तो उन लोगों को शाम को गए तो बोले कि अभी नहीं देंगे, और 2 पुलिस वालों को शायद उन्होंने भेजा देखने के लिए, वो देख के लौट गए। उसके बाद 17 तारीख के बाद ये 26 तारीख को FIR दर्ज किए, जब शायद मुझे ये जानकारी है कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध दर्ज किया गया, तब FIR दर्ज किया गया। लाहिड़ी महाविद्यालय की जो प्राचीन पुस्तक ग्रंथालय है उससे 50,000 से ऊपर की संख्या में किताबों का चोरी का मामला विगत दिनों आया है, और ये चोरी किताबों का हो जाना एक जो पुलिस प्रशासन और प्रबंधन का एक बड़ा लापरवाही इसमें दिखता है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के पूरे क्षेत्र में एक वातावरण निर्मित हो चुका है। आज हमारे किताब कॉलेज के किताबें सुरक्षित नहीं हैं, आम जनमानस कहाँ तक सुरक्षित हो सकता है? और ये केवल किताबें नहीं थी, ये ग्रंथालय नहीं थी, ये चिरमिरी क्षेत्र के जो लाखों की संख्या में जो लोग पढ़े थे उनके एक भावनाओं का केंद्र लाहिड़ी महाविद्यालय रहा है, और ये किताबें, इनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं।